हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अपन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल कर रहे थे, तो उसके अपने 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 3 बच गया था, तो एक्चुअली क्या चैप्टर 3 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भेजा कि सर चैप्टर 3 नहीं है। तो इसलिए आज अपन क्या है चैप्टर 3 की बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसकी बात अपन आगे भी कर चुके हैं और पहले वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। चैप्टर 2 में अपन ने इसकी काफ़ी बात कर ली है, और जो अपन ने आगे के चैप्टर पढ़े हैं उनमें भी इसकी बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम चीज़ें अपने को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बाकी चीज़ें अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इतना ज़्यादा इसको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा पेस का है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ईजी चीज़ है, अपन इसको अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो ये अपन फाइनेंशियल अटेस्ट चैप्टर 3 का नाम क्या है, ऑडिट प्लानिंग। देखो बात क्या कर रहे हैं प्लानिंग की, तो आप ऑडिट प्लानिंग की बात नहीं करके अपन एक नॉर्मल प्लानिंग की बात करते हैं। अपन प्लान क्यों करते हैं, अपन प्लानिंग क्यों करते हैं किसी भी चीज़ की, ताकि वो कैसा हो सके, काम क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, जैसे अपन एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। 12 बजे से पेपर है, 7 बजे उठेंगे, फिर बाद में तैयार होकर जाएंगे, फिर 2 घंटे अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 2-व्हीलर जाएंगे भाई, गाड़ी जाएंगे भाई, बस जाएंगे भाई, ट्रेन जाएंगे। तो ये सब क्या प्लानिंग किस लिए बनाते हैं, ताकि अपन टाइम पे एग्ज़ाम पहुंच सके टाइम पे, और एग्ज़ाम को क्या है अच्छी तरह से लिख सके। किसी ट्रिप पे जाते हैं तो भी अपन पहले प्लानिंग करके जाते हैं कि हाँ कब निकलना है अपने को, क्या सामान पैक करना है। तो उससे क्या काम होता है, प्लानिंग से काम क्या होता है, प्लानिंग से काम होता है अच्छा। तो यहाँ पे देखो किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है ऑडिट प्लानिंग की। तो प्लानिंग अपन करेंगे क्यों, ताकि ऑडिट कैसी हो सके, हाई क्वालिटी ऑडिट हो सके। प्लानिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, हाई क्वालिटी ऑडिट के लिए ज़रूरत पड़ी। और अपन ये कहेंगे कि 3 स्टेजेस है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक क्या है ये अभी फील्ड में गए नहीं, अभी ऑफिस में ही बैठी है ऑडिट टीम में, ऑडिटर अभी ऑफिस में बैठा है, उस टाइम पे ये क्या प्लान कर रहा है। तो ये कौन सी स्टेज का पार्ट है, प्लानिंग स्टेज का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो बात की गई है कि एक तो है ना जो प्लान बनाते हैं पूरे ऑफिस का, एक तो वो किसका प्लान बनाते हैं, पूरे ऑफिस का प्लान बनाते हैं, और एक प्लान बनाते हैं किसका, अपन इंडिविजुअल बनाते हैं, पूरे ऑफिस का नहीं होके किसी इंडिविजुअल का, स्पेसिफिक एंटिटी की ऑडिट करनी होती है उसके लिए अपन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दो बातें कही गई है। अब देखो एंटायर ऑफिस का जो प्लान बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, ऑडिट प्लान फॉर एंटायर ऑफिस। इसको जनरली अपन क्या कहते हैं, आप कहते हैं क्या कहते हैं, एनुअल ऑडिट प्लान। क्या कहते हैं, एनुअल ऑडिट प्लान। इसमें सब आ जाएगा कि फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मतलब अकाउंट्स ऑडिट किस किस यूनिट की करनी है, परफॉर्मेंस ऑडिट किसकी करनी है, कंप्लायंस ऑडिट किसकी करनी है, और फेज ऑडिट किसकी करनी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या पूरे ऑफिस का बना लेंगे और पूरे साल का बना लेंगे कि अपने को क्या है कि कौन कौन से कौन कौन सी ऑडिट करनी है, कौन कौन सी उसमें यूनिट सेलेक्टेड है। और ये कब बनता है, ये जनवरी में बनता है, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनुअल ऑडिट प्लान कब बनाया जाता है, तो जनवरी में बनाया जाता है। प्रत्येक साल कब बनाया जाता है, जनवरी में बनाया जाता है। अब देखो इसके बेसिस पे, एनुअल ऑडिट प्लान के बेसिस पे क्या बनाया जाएगा, डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाया जाएगा, या डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बोल दो उसको, और ये अप्रूव कौन करेगा, एजी ऑडिट करेगा। ये काम हो गया, इसके आधार पे क्या बना लिया, ये बना लिया, और इसका अप्रूवल कौन किसने कर दिया, एजी ऑडिट ने कर दिया। अब डिटेल ऑडिट प्लान में क्या क्या इंक्लूड होंगे, इसमें बहुत सारी मतलब अपने को किसकी ऑडिट करनी है। अगर आप सिविल ऑडिट से हैं तो आप यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज की ऑडिट कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन में हैं उनमें से आपको किसकी ऑडिट करनी है वो सब सेलेक्ट करते हैं। आपकी कोई कंपनीज है, जैसे मान लीजिए पोर्ट है, पोर्ट में है ना जो 10 यूनिट है उसमें से कितनी की करनी है, इंश्योरेंस कंपनी है उसकी 50 यूनिट है उसमें कितनी यूनिट्स की करनी है। तो ये सब क्या है अपन इसमें डिसाइड करते हैं डिटेल्ड एनुअल ऑडिट प्लान में। और डिटेल्ड ऑडिट प्लान में क्या है वो ही रहेगा कि किस किस की ऑडिट करनी है। और इनका क्या करते हैं कि जो भी अपन ये सेलेक्ट करेंगे उनकी कॉपीज़, प्रोग्राम की कॉपीज़ अपन किसको भेजेंगे, जो भी एंटिटी है जिसके अपन ऑडिट करने वाले हैं उसके एडमिन डिपार्टमेंट को भेज देंगे, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज देंगे, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जो भी वहाँ का
जो भी वहाँ का जो मैन ऑफिशियल होता है, जो मैन ऑफिसर है, उसको अपन क्या है ये सब भेज देंगे। तो ये किसकी बात हुई, ये होगी एंटायर ऑडिट प्लान किसका बना रहे अपन, एंटायर ऑफिस का बना रहे उसकी बात होगी। एक दूसरा है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट, इसमें क्या है केवल फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट की बात की गई है कि इसमें किस क्या करेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक एंटिटी है, जैसे मान लीजिए ऑटोनोमस बॉडीज है, तो ऑटोनोमस बॉडीज की बात करेंगे अपन, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है तो केवल स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्पेसिफिक एंटिटीज की बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर हियर के लिए। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा कि एंटायर ऑफिस के लिए एनुअल ऑडिट प्लान और इंडिविजुअल फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के बारे में। अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज की शॉर्टेज का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो ऑडिटर है वो क्या है कम है, ऑडिटर्स क्या है कम है, तो क्या जो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट है वो मैंडेटरी है ना, वो जो नॉन मैंडेटरी है उसके उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मैंडेटरी को या नॉन मैंडेटरी को। तो ये कह रहा है द फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैंडेटरी टू बी कैरीड आउट ओवर नॉन मैंडेटरी, मतलब जो मैंडेटरी है जिसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या वो नॉन मैंडेटरी के ऊपर की जाएगी क्या, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि मान लीजिए नॉन मैंडेटरी है तो उसका क्या कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है करने की, तो अपन किसके उसके उसके जो मैन पावर है जो उसके ऑडिटर्स है उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, मैंडेटरी वाले की तरफ कर देंगे, क्योंकि अपने को ज़रूरी है इनकी ऑडिट करवाना। बहुत कॉमन सेंस की बात कही गई है इसमें। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन प्लानिंग का पर्पज़, वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं प्लानिंग का क्या पर्पज़ है कि हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिट होना। अब इसमें वही कहा गया है कि ऑडिट ओपिनियन के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑडिट कंक्लूजन चाहिए, और ऑडिट कंक्लूजन के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए, और ऑडिट एविडेंस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। पढ़ चुके हैं अपन चार्ट में, हर जगह यही पढ़ा है अपन ने। ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, या तो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट, या फिर इसको कंपिटेंट रिलीवेंट और रीजनेबल ऑडिट एविडेंस। ये कैसे मिलेंगे, अपने को एंटिटी को समझना है, उसके ऑपरेशंस को समझना है, फिर उसकी मैटरलिटी डिटरमाइन करनी है, उसमें देखना है कि क्या अपना ऑडिट स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसमें रिस्क को एक्सेस करना है कि वो कैसे रिस्क है, हाई रिस्क वाली है, मीडियम रिस्क वाली है, लो रिस्क वाली है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सब करना है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना है। यही क्वेश्चन आता है कि जो प्लानिंग और पर्पज, या फिर आपको कहीं पे भी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट में दिख जाए तो वो कैसा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर ये होगा। अब ये कह रहा है कि हाई क्वालिटी ऑडिट है वो और किस मैनर में करनी चाहिए, तो वो ट्रिपल ई मैनर में करनी चाहिए। ट्रिपल ई मैनर का क्या मतलब हो गया, परफॉर्मेंस ऑडिट। जो ट्रिपल ई है वो परफॉर्मेंस ऑडिट में चलता है, इकोनॉमिक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में। और किस में करनी चाहिए, और करनी चाहिए उसको टाइमली वे में, मतलब टाइम पे हो जानी चाहिए, और इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ऑडिट की बात करें तो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होनी चाहिए, ट्रिपल ई में होनी चाहिए, और टाइमली मैनर में होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब देखो, अब प्लानिंग प्रोसेस की बात की गई है यहाँ पे, तो प्लानिंग प्रोसेस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को वो चार्ट याद आ रहा होगा कि उसमें अपन ने लिखा था सबसे पहले कि बिजनेस एंटिटी को समझना है, एंटिटी को समझना है। एंटिटी को समझने से क्या होगा, अपन डिटरमाइन कर पाएंगे मैटरलिटी और ऑडिट स्कोप और ऑब्जेक्टिव। जब अपने एंटिटी को पता ही नहीं है वो क्या करती है, तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव भी अपन पता नहीं कर पाएंगे ना, उसकी मैटरलिटी पता कर पाएंगे। फिर इसके बेसिस पे अपन क्या कर पाएंगे, रिस्क को एक्सेस कर पाएंगे। तो वही वाली बात चल रही है कि अगर अपने को एंटिटी को समझना है, उसके ऑपरेशंस को समझना है, तो अपने को क्या क्या स्टेप्स करनी है। तो इसमें ए से शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी लाइन टू लाइन, वो अपने को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपने को इसको ऑपरेशन समझना है कि वो किस तरह का काम करती है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सबसे टॉप लेवल पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से अपने को पता चलेगा किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें देखो वही कह रहा है कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि सबसे पहले तो वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट नहीं बनाती है तो क्या सर्विसेज देती है, और उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या है रिसिपिएंट, मतलब उनको कौन रिसीव कर रहा है। दूसरा,
स्टैचुरी बेसिस दे सकेंगे, किसके बेसिस पे वो, किस एक्ट के बेसिस पे वो बनाई हुई है, किस एक्ट के बेसिस पे वो चल रही है, उसको फंड मिल रहा है फंडेड, या फिर यहाँ लिख दो और नॉट फंडेड, मतलब उसको क्या कोई फंड दिया जा रहा है गवर्नमेंट से या फिर फंड नहीं दिया जा रहा है, उसके और एंटिटी के साथ रिलेशन क्या है, उसमें अकाउंटिंग ऑफिसर कौन है, मैनेजमेंट कौन है, सबसे टॉप लेवल पे कौन है, सबसे टॉप लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके नीचे फिर कौन है, उसके नीचे कौन है, ये सब देखेंगे, उसमें मैन कॉन्टैक्ट कौन है, अगर अपने को रिलेशन है तो अपने को किससे बात करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग ऑफिसर है वो उस पोस्ट पे रहने लायक है या नहीं है, ये सब बातें अपन उसको देखेंगे तो अपने को पता चलेगा, वही का अकाउंटिंग ऑफिसर, मैनेजमेंट, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैन कॉन्टैक्ट, ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे कि ऑडिट कमिटी उसमें इस्टेब्लिश है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और किस लोकेशन पे है, क्योंकि लोकेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्टेट वाइज क्या है, कभी कभी अगर कोई सेंट्रल उस पर सेंट्रल रूल नहीं लग रहा है तो स्टेट के हिसाब से भी क्या है रूल लगते हैं उस पर, तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब देख के अपने को क्या पता चलेगा कि उसकी ऑपरेशंस के बारे में, कि वो क्या ऑपरेशंस करती है और उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑटोनोमस बॉडी है, कोई टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करती है, तो ये क्या कर रही है, ये प्रोडक्ट बना रही है, टेक्सटाइल का क्या करती है, प्रोडक्ट बना रही है, इसका कंट्रोल किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के पास है, तो अपन देखेंगे कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको कोई फंड दे रहा है, या फिर इसके अपन क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात कुछ कही नहीं गई है, बहुत आसान बात है, डेली की बातें हैं। अब अपन ने ये क्या पढ़ा कि जो एंटिटी और ऑपरेशन को समझने के लिए उसके ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपन ने जब देखो वो चार्ट बनाया था कि एंटिटी और उसके बिजनेस को समझना है, रिस्क को देखना है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने हैं, रिस्क को एक्सेस करना है, मैटरलिटी टाइम है, उससे उस उन सब को देख के अपन ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। तो यही देख रहे हैं कि अपने को एंटिटी को कैसे समझ में आएगा। तो पहले तो अपन ने ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, वो अभी अपन ने जो बात की थी कि मैनेजमेंट देखेंगे उसमें कौन टॉप पे है, कौन नीचे है, ठीक है, उसके मैन कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको फंड दे रहे हैं नहीं दे रहे, कौन से एक्ट के द्वारा वो रेगुलेट हो रही है। तो इसमें ऑडिट टीम इन्फॉर्मेशन कैसे, इसमें ऑडिट टीम को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से ऑब्टेन करेगी, तो या तो क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर का अकाउंट है उनको चेक करके, पिछले साल की जो ऑडिट है उसके उसके एक्सपीरियंस से अगर मान लीजिए वही गए थे, वही ऑडिट टीम थी, या फिर दूसरी ऑडिट टीम है तो पिछले साल टीम ने जो ऑडिट की थी उसको देख के डिस्कशन कर सकते हैं मैनेजमेंट के किसी पर्सन से, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, बातचीत करते हैं वहाँ पे जाते हैं, उससे अपन क्या है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं मिनट्स का मीटिंग के, उनका कोई मैनुअल है उसको देख सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, इंट्रीम अकाउंट्स को देख सकते हैं। इंट्रीम अकाउंट्स क्या है कि जो पिछले साल का अकाउंट्स बन गया हो चुका है उसकी अपन ऑडिट करने वाले हैं, जैसे जैसे 19-20 का था तो ये कब तक था, ये था 31 मार्च तक 2020 तक, अब अपन ऑडिट करने गए हैं अक्टूबर में, तो सितंबर में मान लो, कभी भी मान लो, तो इसका क्या है जून क्वार्टर तक का एक बना ना, जून 2020 से अप्रैल मई जून, तीन महीने का जो बना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या हो गया, वो हो गया इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहाँ से भी अपन क्या है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, पढ़ चुके अपन कि मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, ठीक है, किस तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन उसने लास्ट साल किया है, किस तरह की उसने कोई मेथड लगाई है, वो सब अपन उसको क्या है देख सकते हैं। तो उससे अपने को क्या है ऑडिट टीम को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंटिटी को समझने में मदद मिलेगी। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा है इसका, ऑडिट टीम को देखना पड़ेगा कि जो उसके अकाउंट्स हैं उसका फॉर्मेट कैसा है, उसके पीछे क्या शेड्यूल्स लगते हैं, उनका फॉर्मेट कैसा है, कोई चेंज हुआ है क्या लास्ट ईयर से जब पहले ऑडिट हुई थी उसके बाद में, अभी कोई लॉज में कोई रेगुलेशंस में चेंज हुआ है क्या, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1956 की जगह 2013 आ गया, वो देखना पड़ेगा उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अब इंडेस आ गए तो वो देखना पड़ेगा, कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो रीजनेबल लग रही है या नहीं लग रही है, जैसे डेप्रिसिएशन की मेथड लास्ट ईयर कोई और लगाई थी अब कोई और लगा दी, तो वो सब अपने को चेंज करना देखना पड़ेगा, इन चीज़ों से अपने को क्या फैमिलियर होना पड़ेगा।
अकाउंट्स के कोई नया हेड तो नहीं ऐड हुआ है जो पिछले साल ऑडिट की थी, कोई नया हेड अब उसमें ऐड हो गया, उसमें कुछ अपन एक्सपेंसेज इनकम डाल रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये सब अपने को क्या है ऑडिट टीम को फैमिलियर होगा, इससे वो क्या है ऑडिट प्रोसीजर लगाने में उसको आसानी मिलेगी। तीसरा क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वही वाली बात है कि कौन से वो लेजिस्लेशन के द्वारा चल रही है, प्राइमरी सेकेंडरी लेजिस्लेशन कौन सा है, और रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन है ना जो मिनिस्ट्री के द्वारा जो इश्यू हुए हैं, इनमें क्या कोई चेंज हुआ है क्या लास्ट ऑडिट के द्वारा, ठीक है, तो उसमें अगर कोई चेंज हुआ है तो अपन वहाँ क्या है एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। चौथा क्या है, पार्लियामेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, क्या है ना जो कंपनी इस ऐसे चीज़ से रिलेटेड है, जैसे अभी क्या ऑक्सीजन का एक, अभी कोविड चल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी का एक चल रहा है, तो उसके लिए क्या हाई लेवल कमेंट्स आ रहे हैं मीडिया न्यूज़पेपर में, मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर है उसके लिए, तो वो जो कंपनियां बना रही है, जो गवर्नमेंट कंपनीज बना रही है, तो उस पर क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो पार्लियामेंट में क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं उस पर, क्या उसके बारे में डिबेट्स चल रही है, तो अपने को ये देखना है कि लेवल ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इनक्रीज तो नहीं हो रहा जब ऑडिट कर रहे हैं। मान लीजिए अभी ऑडिट चल रही है और वही कंपनी रेमडेसिविर बना रही है, तो अपने को क्या है ध्यान देना पड़ेगा उस पर क्या ज़्यादा। तो ये चार बातें हो गई, ये सब क्या है, ये किस लिए है, ये अपने को समझना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसी में क्या है, डी तक हो गया था ना अपना, अब देखो ई की बात करेंगे। ई में क्या कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर को क्या है समझना है। अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि वो ही कैपिटल है, रिवेन्यू है, ठीक है, टैक्स इनकम है, नॉन टैक्स इनकम है, लोन है, या फिर कोई पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन को क्या है कहाँ पे करना है, कहाँ पे उसको क्या है ट्रीट करना है, कहाँ पे उसको लिखना है, फिक्स असेट है, करंट असेट है, फिक्स लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है, उनको किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है, यही है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये क्या है उसको समझना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए। अकाउंटिंग प्रोसेस नेचर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो ये टैक्स नॉन टैक्स कैपिटल रिवेन्यू जितने भी हैं जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कहाँ करना है, और एक की फीडर सिस्टम को समझना है, मतलब ट्रेजरी किस तरह के अकाउंट्स मेंटेन करती है, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सब ट्रेजरी, ये सब क्या है पे एंड अकाउंट्स ऑफ, ये किस तरह के अकाउंट्स मेंटेन करती है उसकी भी क्या है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसको, ऑडिटर को, अपने को फैमिलियर बनाना है। इसके बाद में कंप्यूटर एनवायरनमेंट, उस जो जिस भी एंटिटी का अपन ऑडिट कर रहे हैं उसमें कितना, हाउ मच यूज, कितना यूज़ हो रहा है कंप्यूटर का, और कितना कॉम्प्लेक्स है वो कंप्यूटर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उसमें कि एक जो जनरल जो ऑडिटर है वो नहीं समझ पाए, बहुत हाई लेवल का उसमें क्या है कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आईटी सिस्टम उसका देखेंगे अगर बहुत हाई लेवल का है तो फिर क्या करेंगे अपन जो ट्रेंड ऑडिट पर्सनल हैं वो आएंगे उसको देखने के लिए, या फिर अगर अपन चाहे तो एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं, आईटी एक्सपर्ट, कहाँ से, एक्सटर्नल आईटी एक्सपर्ट जो अपने डिपार्टमेंट के अलावा जो होते हैं। इसके लिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, हेडक्वार्टर्स का क्या है अप्रूवल लेना है अगर अपने को एक्सटर्नल बुलाना है तो। नेक्स्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस जो तो अपन बात कर चुके हैं, साथ के साथ इंटरनल कंट्रोल जो है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया और वो किस तरह से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है ऑडिटर देखेगा, और वो देखेगा कि ये सब चीज़ें क्या इफ़ेक्टिव है क्या या इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर इफ़ेक्टिव है तो ठीक है, नहीं है इनमें कोई चेंजेस है, अगर कोई चेंजेस हो उससे क्या इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सकती है, तो ऑडिटर क्या है उसके बारे में भी उनको क्या करेगा बताएगा। इसके बाद में एच है कंट्रोल, ऑडिटर को और क्या देखना है उसमें एंटिटी में क्या कंट्रोल है, अगर कोई इरेगुलरिटी हो रही है, कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स है, वो भी ये देखेगा, एक्सेस करेगा, और अगर उसको लगेगा तो वो उस कंट्रोल मेजर्स को क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए भी कह सकता है।
ये सब चीजें क्यों कर रहा है ऑडिटर, उसको क्यों फैमिलियर होना है, ताकि वो एक प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर लगा सके। अब देखिए एच के बाद आई क्या है, प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए अपन ने तीन ऑडिट प्रोसीजर पढ़ी थी, एक प्रीलिम एनालिटिक प्रोसीजर थी, एक सिस्टम बेस्ड थी। सिस्टम बेस्ड में क्या कर रहे थे, इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान दे रहे थे अपन, इंटरनल कंट्रोल पे अपन क्या कर रहे, बिलीव कर रहे थे ऑडिटर। और एक क्या थी, डायरेक्ट सब्सटेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर थी, जिसको टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब उसमें वो एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा था। इसमें क्या कर रहा है, प्रीलिमिनरी मतलब एनालिटिक प्रोसीजर पहले ही लगा लिया। कब, ये देखिए प्लानिंग स्टेज की बात करिए, वो अपन फील्ड वर्क में बात करते हैं। तो ये किस पे लगा लेगा, अगर ऑफिस में ही बैठा है, अभी ऑडिट पे गया नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीलिमिनरी एनालिटिक प्रोसीजर किस पे लग सकती है। ऑप्शन दे देगा कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, बजट एस्टिमेट्स पे लग सकती है, लग सकती है। क्या बजट मंगवाया, क्या एस्टिमेट था, क्या बजट मंगवाया, कितना खर्चा हुआ, प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अपने पास, उस पर भी लग सकती है, और एनी अदर कोई मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है। तो इस पर अपन क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल मतलब अपने को क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो करनी है। एनालिटिक प्रोसीजर अप्लाइड बिफोर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अवेलेबल नहीं हुआ है, तो अपन इन चीज़ों पे क्या है, प्रीलिमिनरी एनालिटिक प्रोसीजर लगा सकते हैं। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अपन ऑडिट करने वाले हैं। इसके एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंप्यूटर इंट्रोगेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, कंप्यूटर इंट्रोगेशन सॉफ्टवेयर, तो वो कौन सी स्टेज में यूज किया जा सकता है, तो वो देखिए प्लानिंग स्टेज में भी किया जा सकता है एंड एग्जीक्यूशन स्टेज में भी किया जा सकता है। पहली तो ये बात हो गई, कौन सी स्टेज में यूज किया जा सकता है, दोनों में। साथ में इसके लिए पॉपुलर टूल्स कौन से हैं, मतलब कौन से अपन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो एक आइडिया सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं, या फिर अपन जो एमएस एक्सेल है अपना वो कर सकते हैं, या फिर बाद में क्या है, एमएस एक्सेस भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आइडिया अपना क्या है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको जनरली क्या है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात अकाउंट्स एरिया की, अकाउंट्स एरिया क्या होता है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहाँ के क्वेश्चन हो गए प्रीलिमिनरी एनालिटिक प्रोसीजर में चारों याद करने, किस किस पे लगा सकता है। अब अकाउंट्स एरिया होता क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि अकाउंट्स एरिया डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, क्या क्लासेज ऑफ असेट्स, क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पर्सनल डेटा ऑफ एम्प्लॉय, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो इसका आंसर होगा नंबर 4। एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा और अकाउंट्स एरिया का कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग एरिया में असेट लायबिलिटी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ऑडिटर को यही एनालिसिस करना है जो भी अकाउंट्स एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो। दूसरी बात इसमें क्या कह रहे हैं कि अकाउंट्स एरिया की जो डेफिनेशन है, वो जो एजी ऑडिट है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। यही कह रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स एरिया इज ए मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ एजी ऑडिट। एजी ऑडिट का क्या है, वो जजमेंट हो सकता है, वो अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशंस अपने हिसाब से सेट कर सकता है। हालांकि हाउएवर गाइडिंग फैक्टर्स इंक्लूड, उसमें गाइडिंग फैक्टर कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं तो वो सुनना। उसमें सबसे पहला गाइडिंग फैक्टर ये हो सकता है कि अकाउंट्स एरिया में अपन कौन कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड कर लेंगे, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है। दूसरा, जो उसकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको। तीसरा, जो रिस्क है उसको असेसमेंट कर लेंगे, एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड प्रोपेंसिटी टू एरर ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन टाइप, जो अलग अलग ट्रांजेक्शन टाइप है उसकी टेंडेंसी, मतलब वो कितनी बार, टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, कितनी बार वो एरर, एक ट्रांजेक्शन के टाइप में कितनी बार एरर हो सकता है ये। साथ के साथ कंट्रोल सिस्टम क्या है एंटिटी का, एंटिटी से जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसका, इन सब के आधार पे भी क्या है, एजी ऑडिट क्या कर सकता है कि अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन बना सकता है। वैसे जनरल अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन तो ये हैं,
ये तीनों ऐड हो गए, वो हो गया। इसके अलावा ये क्या है, एजी ऑडिट का मैटर है, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन बना सकता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन वाला है, दूसरा ये पूछ सकते हैं कि अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन है ना वो किसका मैटर ऑफ जजमेंट है, एजी ऑडिट का है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा पूछ सकते हैं कि हालांकि एजी ऑडिट का है लेकिन किस बेसिस पे वो अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन डिसाइड कर सकता है, तो ये चार फैक्टर हैं, इनके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, अकाउंट्स एरिया की डेफिनेशन डिसाइड कर सकता है। अब पढ़ेंगे देखो ऑडिट एरिया के बारे में कि ऑडिट एरिया क्या होता है। तो देखो समझना, पहले तो देखो ऑडिट एरिया दो तरह के होते हैं, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। नाम से ही पता चल रहा है, जो अकाउंट्स एरिया, ऑडिट एरिया क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट्स एरिया जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया हो गए। कौन से अकाउंट्स एरिया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्या हो गए, नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। इससे क्या होगा, अगर अपन ये फाइंड कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, तो उससे क्या होगा कि जो ऑडिट टीम है वो ऑब्टेन कर पाएगी क्या, ऑडिट एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर नॉन सिग्निफिकेंट अपन ने ऑडिट एरिया है, अगर नॉन सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया की अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये क्या हो जाएगी, ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी, क्योंकि अपने काम का नहीं था फिर भी अपन ने इसकी ऑडिट कर ली। या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। उसका क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा था उसका अपन ने क्या है, ऑडिट कर लिया, तो ओवर ऑडिटिंग हो गई, मतलब उसका ऑडिट नहीं करना था फिर भी अपन ने कर लिया, और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन है नॉन सिग्निफिकेंट एरिया का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल पार्ट है। ऑडिट प्लानिंग के दौरान अपने को ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कौन किस एरिया पे अपने को ऑडिट करनी है, ऑडिट पर प्रोसीजर लगाना है, ताकि क्या हो सके, इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट पे अपन ने लगा दिया तो ये क्या हो गई, इनएफिशिएंट हो गई ऑडिट। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो भी ऑल एडिट एरिया है उसको देखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट कौन सा है, नॉन सिग्निफिकेंट कौन सा है, एनालिसिस करना पड़ेगा किसका, मैटरलिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा, और एंटिटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है किस चीज़ के लिए, देखने के लिए कि कोई सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया कौन कौन से है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एंटिटी को समझना तो पड़ेगा। अगर एंटिटी को ही नहीं समझ पा रहे अपन, वो क्या कर रही है, किस बिजनेस से रिलेटेड हुई है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसको मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटिटी को अगर अपन नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अभी अपन इन चीज़ों को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एंटिटी को समझना और उसके बिजनेस को समझना। अब देखिए प्लानिंग मैटरलिटी, मैटरलिटी अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर टू में, दो तरह की होती है, एक तो मैटरलिटी प्लानिंग स्टेज में और एक मैटरलिटी रिपोर्टिंग स्टेज में। ठीक है, और एक मैटरलिटी बाय वैल्यू, बाय कॉन्टेस्ट और बाय नेचर। अब सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो भी प्लानिंग मैटरलिटी है उसके रीज़न और बेसिस को क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि प्लानिंग स्टेज में है ना जो ऑडिट टीम प्राइमरली कंसर्न किससे रहती है, ये देखिए क्वेश्चन है कि प्लानिंग स्टेज में ऑडिट टीम को किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी मैटरलिटी पे ध्यान देना है, मैटरलिटी बाय वैल्यू, बाय कॉन्टेस्ट और बाय नेचर। पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से देख लेते हैं किस पे, मैटरलिटी बाय वैल्यू पे ध्यान देते हैं प्लानिंग स्टेज में। दूसरा कह रहा है कि मैटरलिटी लेवल है ना वो सेट करना चाहिए रिपोर्टिंग मैटरलिटी से, क्या सेट करना चाहिए, हायर सेट करनी चाहिए या फिर लोअर सेट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर होगा। जो मैटरलिटी लेवल है ना प्लानिंग स्टेज में, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग स्टेज की तुलना में कैसा होता है, लोअर होता है, कैसा होता है, लोअर होता है।
आगे बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट की। तो देखो रिस्क असेसमेंट, ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा। ऑडिट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क इनटू मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क, पढ़ चुके अपन डिटेल से। अब ये क्वेश्चन ये है कि द ऑडिट अप्रोच ऑफ सीएजी सिक टू एन एक्सेप्टेबल लेवल दैट ऑडिट वर्क विल नॉट डिटेक्ट मटेरियल एरर। ऑडिट अप्रोच है ना वो, मतलब ये कह रहा है कि जो सीएजी की जो ऑडिट अप्रोच है उसमें जो भी एरर है उसको अपने को क्या करना है कि कहाँ तक लाना है, रिड्यूस करना है, कहाँ तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक। अपन पहले भी बात कर चुके हैं इसको अपन जीरो नहीं कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर अपन अश्योरेंस की बात करते हैं तो अश्योरेंस कैसा होना चाहिए? अश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, मतलब 100% नहीं हो सकता। अश्योरेंस कैसा लेते हैं अपन? रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं, मतलब जहाँ तक कोशिश होती है अपन उस चीज़ का अश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो एक्सेप्टेबल क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, किसको, अपने रिस्क को, कहाँ तक, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इश्यू गाइडलाइन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रिस्क। ये जो रिस्क की बात कर रहे हैं इसके लिए क्या एक सीएजी गाइडलाइन इशू नहीं कर सकता क्या? सीएजी कॉमन गाइडलाइन इशू कर दे तो उसके लिए कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस के कारण, क्योंकि कंपनीज हैं उनके ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं तो अपन एक तरह का उसमें रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए तो अपने को क्या है, एंटिटी को समझना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑयल सेक्टर की कंपनी, उसके रिस्क अलग है, पावर सेक्टर की उसके रिस्क अलग है, एविएशन सेक्टर की है उसके रिस्क अलग है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए क्या है, कॉमन कोई कॉमन गाइडलाइन अपन इसके लिए नहीं बना सकते हैं। उसका कारण क्या है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। वो अपन असेसमेंट ऑफ रिस्क में सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क की बात करते हैं। इनहेरेंट रिस्क को अपने को एक्सेस करना, सबसे पहले तो इनहेरेंट रिस्क क्या है कि जब इंटरनल कंट्रोल नहीं है, अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है, और मान लीजिए कि किसी के लिए क्या है 10 लाख रुपए से अगर मान लीजिए ज़्यादा उसमें हो जाता है, कुछ गड़बड़, कुछ एरर हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैटरलिटी अपन ने रख रखी है 10 लाख, इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको अपन क्या है, इनहेरेंट रिस्क मान लेते हैं। तो या तो इतना अमाउंट हो, या फिर जैसे 2-2 लाख के हमें जो 5 ट्रांजेक्शन हो गए तो टोटल कितने हो गए, ऐसे करके 10 लाख हो गए। तो अगर 10 लाख तक, चाहे सिंगल हो चाहे क्यूमुलेटिव हो, उससे क्या है, किसी भी अकाउंट ट्रांजेक्शन में अपन डेफिनेशन पूरी पढ़ चुके हैं, तो उसको इनहेरेंट रिस्क आ जाएगा। वहाँ पर अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है। दूसरा, कंट्रोल रिस्क में क्या है कि इंटरनल कंट्रोल है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद भी इंटरनल कंट्रोल के द्वारा रिस्क को प्रिवेंटेड नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, टाइमली करेक्ट नहीं किया जा सकता, और रिस्क को क्या नहीं किया जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और डिटेक्शन रिस्क क्या है कि जो ऑडिटर है वो जब चेक कर रहा है रिस्क को, तो वो हो सकता है कि कोई चीज़ वो डिटेक्ट नहीं कर पाए जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा हो, तो डिटेक्शन रिस्क है। तो इनहेरेंट रिस्क के 3 लेवल हो सकते हैं, ये हाई रिस्क, हाई इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या फिर लो हो सकता है, बाकी अपन चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अब रिस्क आइडेंटिफाई करना है अपने को, तो रिस्क आइडेंटिफाई 2 तरह से कर सकते हैं। या तो अपन एंटिटी के लेवल पे कर सकते हैं, पूरी एंटिटी को अपन देखेंगे कि उसमें क्या रिस्क है, या फिर अकाउंट्स एरिया लेवल पे कर सकते हैं। अब एंटिटी रिस्क में क्या है कि अपन क्या करेंगे, रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अपन एंटिटी को रिव्यू करेंगे टॉप से डाउन तक, मतलब उसको सब कुछ अपन क्या है चेक करना पड़ेगा अपने को। और इससे एंटिटी रिस्क से क्या होगा, डिफरेंट अकाउंट्स एरिया क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, वो बाद की बात है, वो अकाउंट्स एरिया रिस्क में बात करेंगे। एंटिटी लेवल पे क्या क्या रिस्क है अपने को यहाँ पे ये पता करना है। तो सबसे पहले कह लें ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट। ओवरऑल कंट्रोल मतलब आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, उससे रिलेटेड अपने को क्या है, कंट्रोल देखना है। दूसरा,
कोई एंटिटी पे एक्सटर्नल, अब ये क्या है, ये अकाउंट्स लेवल पे नहीं है, ये ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गड़बड़ नहीं हो सकती एंटिटी लेवल पे। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि एंटिटी रिस्क है ना, जो कौन सा है और कौन सा नहीं है। दूसरा, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एंटिटी। जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर है, जैसे मान लीजिए कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या आपका शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर लिस्टेड है। अब क्या करना है, कंपनी को ऐसे लग रहा है कि इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उसको क्या है, प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या करे, लॉस को प्रॉफिट दिखा दे, कुछ ऐसा गड़बड़ होने का जहाँ चांस है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, किसका, पब्लिक का प्रेशर है। जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन ने लोन ले रखा है किसी से, तो लोन उसको चुकाना है, ठीक है, या फिर उसको और लोन लेना है, उससे क्या करना है, और लोन लेना है, तो वो क्या करेगा, अगर उसके लॉस भी है तो वो क्या प्रॉफिट दिखा सकता है, क्योंकि लॉस हुआ तो वो और लोन नहीं देगा। तो ये इस टाइप के एक्सटर्नल प्रेशर हो सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट से हो सकते हैं, लेजिस्लेचर से हो सकते हैं, लैंडर से हो सकते हैं, पब्लिक से होते हैं। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करना था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो ये क्या है, हाई रिस्क कैटेगरी हो गई। ये रिस्क कैसा हो गया, हाई रिस्क हो गया। तीसरा, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ। अगर स्टाफ एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस है तो रिस्क कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही था, अगर पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करना है तो प्रेशर अगर उस पर है तो रिस्क हाई लेगा, और अगर नहीं करना है तो रिस्क लो रहेगा। तीसरा, अकाउंटिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी। अगर टेस्टेड सिस्टम है, मतलब पुराना सिस्टम है, टेस्टेड सिस्टम है, तो रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर न्यू सिस्टम है तो रिस्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पांचवा, स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी। अगर एंटिटी सेम फंक्शन सेम वे में कर रही है कई सालों से, तो रिस्क कैसा हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा लो। और अगर मान लीजिए उसके कुछ चेंजेज हुए हैं उसके फंक्शन में, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, या जियोग्राफिकल डिस्पर्सल मतलब लोकेशन में चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए डिफरेंट स्टेट में चली गई वो या डिफरेंट कंट्रीज में चली गई, तो रिस्क इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसमें कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन यही आएगा कि एंटिटी रिस्क इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो अपने को ये नाम नाम याद करने हैं। वैसे तो आपको पता चल जाए, एक्सटर्नल प्रेशर अकाउंट्स एरिया लेवल पे नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस अकाउंट्स एरिया लेवल पे नहीं हो सकता, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ये क्या है, ओवरऑल एंटिटी पे देख सकते हैं अपन, एंटिटी की स्टेबिलिटी है। तो ये क्या, एक बार आप समझने, अगर समझ लेंगे ना थोड़ा सा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन क्या करते हैं कि इसके सामने है ना, जो अकाउंट्स एरिया वाले जो हैं रिस्क है उसके बारे में लिख लेते हैं, तो कंपेरिजन हो जाएगा, उससे याद रखने में आसानी होगी। अब देखो, एंटिटी के रिस्क अपने को पता चल गए, अकाउंट्स एरिया पे अपने को रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो एंटिटी में तो क्या, एंटिटी का रिव्यू कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे कि जो ईच अकाउंट एरिया, मतलब अकाउंट एरिया का मतलब पढ़ चुके हैं, कोई असेट की क्लास है, ट्रांजेक्शन की क्लास है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, उन आपको क्या करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे। डिटेल रिव्यू करने से क्या होगा, अपने को रिस्क क्या है आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए इसमें अपन पढ़ चुके हैं, इसमें क्या आएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस के द्वारा ट्रांजेक्शन हुआ, इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। एक बार इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसमें ये आता है, इसमें ये आता है। सर्विस है वो दी जा रही है किसके द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा। पेमेंट और रिसिप्ट अपन दे रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उसने क्लेम किया या डिक्लेरेशन दिया, किसको छोड़ के, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा, ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, मतलब जो जनरल नहीं चलता है, कुछ अलग ट्रांजेक्शन हुआ है। पांचवा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग एस्टीमेट, जो अपन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैसा है, रीजनेबल है या नहीं है। और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड, तो ये सब क्या है, ये सब अकाउंट एरिया लेवल पे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, एंटिटी रिस्क में क्या आता है, ऑप्शन दे देगा कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड किस में आता है, अकाउंट्स एरिया रिस्क में आता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन इनका ये इसमें आता है ये याद करना है, और ये इसमें आता है ये याद करना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अपन इनकी डिटेल बात कर लेंगे अकाउंट्स एरिया रिस्क की। देखिए अब एक क्वेश्चन है,
कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्पेसिफिक टारगेट दिया है क्या कि रिवेन्यू डेफिसिट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टारगेट मिल गया तो क्या वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो गया क्या एंटिटी पे? हुआ तो इससे क्या चांस रहेगा, इससे चांस रहेगा मिसक्लासिफिकेशन का। वो रिवेन्यू को क्या कर सकते हैं, कैपिटल में डाल सकते हैं। रिवेन्यू को कैपिटल में डाल देंगे तो क्या रिवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये कौन सा रिस्क हो गया, किस लेवल का रिस्क है? ये एंटिटी लेवल का रिस्क है। कौन सा रिस्क है? एंटिटी रिस्क है। और एंटिटी रिस्क में भी कौन सा रिस्क है? ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एंटिटी। क्वेश्चन यही आने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। तो ये एंटिटी रिस्क हो गया। अब इसकी बात करेंगे अपन अकाउंट्स एरिया रिस्क की। सबसे पहले ट्रांजेक्शन गवर्न्ड बाय कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। तो देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जैसे कॉलेज में थे तो बात किया करते थे कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन और नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। और सच में मुझे ऐसा लगता था कि यार ज़्यादा स्टडी करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। तो अगर अपन ये थ्योरी पे चलते हैं तो अपन यही कह रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स है रेगुलेशंस तो रिस्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स होने से क्या, या तो अपन उसको समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या फिर अपन उसको गलत इंटरप्रेट कर देंगे। अब देखो इसकी बात ऐसी है, देखो जनरली ऐसा होता नहीं है। इसका होता क्या है एग्जैक्ट, ऐसा होता है कि मोर स्टडी, अगर आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, कम होगा। और अगर आप कम स्टडी करोगे तो आप क्या है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या है, एक याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि अपन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस है तो क्या है, क्या रिस्क क्या होगा, हाई होगा। सेकंड देखो, सर्विस डिलीवर्ड बाय थर्ड पार्टी। कोई ये एक्स कंपनी है, ये तो डायरेक्ट सर्विस डिलीवर करती है फाइनल यूजर्स को, अपने कस्टमर को डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका जो डे टू डे कंट्रोल है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। एक ही क्या करती है, इनडायरेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर एजेंट के थ्रू इसको। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, उसका डे टू डे कंट्रोल क्या रहेगा, लो रहेगा। तो जब डे टू डे कंट्रोल कंपनी का हाई है तो यहाँ पर रिस्क क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर ये इनडायरेक्टली है, अगर डे टू इनडायरेक्टली अगर ये जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट और ब्रोकर के थ्रू कोई भी सर्विस डिलीवर्ड हो रही है, ये थर्ड पार्टी कौन है, फाइनल यूजर, तो रिस्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली में रिस्क क्या है, कम है, और इनडायरेक्टली में रिस्क क्या है, ज़्यादा है। तीसरा, पेमेंट एंड रिसीट मेड ऑन क्लेम्स एंड डिक्लेरेशन अदर देन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको छोड़ देंगे। तो देखिए अगर कोई अपने को कोई चीज़ अपन ने गुड्स या सर्विस बेची या खरीदी, तो अगर उसके अपने को अपने कोई चीज़ खरीदी उसके अगर अपने को रिसीट मिल जाए तो रिसीट अपन देख के पता कर सकते हैं। या फिर किसी थर्ड पार्टी ने आके अपने पास क्लेम किया हो, किसी थर्ड पार्टी ने आके अपने पास क्लेम किया कि उसने क्या खरीदी है, वो अपने पास क्लेम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, रिस्क हो जाता है हाई। अगर आपके पास रिसीट आ गई तो ये आप इजी चेक कर सकते हो, तो रिस्क हो जाएगा लो। और अगर कोई क्लेम कर रहा है क्लेमेंट, तो ये डिफ़िकल्ट है, ये क्या डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए रिस्क क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए रिस्क हो जाएगा हाई। चौथा है, ट्रांजेक्शन नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या स्टाफ अनफैमिलियर है क्या उसको, वो अगर अपन कोई भी काम डेली करते तो वो रूटीन में आ जाता है, अपने को सब कुछ याद हो जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सब रहता है। लेकिन अगर वो कभी कभी होता है तो वो अनफैमिलियर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, होते तो कम है लेकिन लार्ज वैल्यू के होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, रिस्क क्या है, बढ़ जाता है। पांचवा देखिए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात कर रहे हैं कि रीजनेबल है या नहीं है, रीजनेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या है, रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्ट इसमें क्या है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड का एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट है, तो उसको फंड मिल रहा है कहाँ से, एक तो उसके खुद के रिसोर्सेज से फंड आ रहे हैं, कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और वो जो कलेक्ट कर रहे हैं सरचार्ज लगा के किससे, पैसेंजर्स से, तो क्या बहुत सारे फंड हो गए क्या, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल सोर्सेज जो फंड हो जाता है तो मिसक्लासिफिकेशन क्या क्या है,
रिस्क बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये अपन ने छह बातें पढ़ ली इसकी, है ना, और पांच क्या था, एंटिटी रिस्क में थी, पांच और छह इसमें थी। अब देखिए एक रिकंसिलेशन दिया हुआ है, रिकंसिलेशन क्या होता है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरनल क्रॉस चेक। आपने कोई काम किया, कोई दूसरे ऑफिस से आया या आपके ऑफिस से किसी ने उसको चेक किया, तो वो क्या हो रहा है, रिकंसिलेशन हो। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, अपने को इंश्योर करना है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अकाउंटेड, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनका प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नॉन रिकंसिलेशन है, अगर अपन रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लो कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में क्या है कि प्री प्रिंटेड टिकट थी, कितनी, 500 टिकट थी 10,000 रुपये की, जिनका बाइफर्गेशन ये 10 रुपये की 200 थी, 20 रुपये की 200 थी और 50 रुपये की कितनी थी, 100 टिकटें थी। तो क्या टोटल 10,000 रुपये की टिकट हो गई क्या, 500 हो गई। अब इनमें क्या है, अपन चेक करेंगे कि कितनी टिकट बिक चुकी है। तो मैंने देखा कि 10 रुपये की तो 200 की 200 बिक गई, 20 रुपये की 100 टिकटें बिकी और 50 रुपये की 50 टिकटें बिकी, तो क्या 350 टिकटें बिक चुकी है क्या, 6,500 रुपये की बिक चुकी है क्या। तो मैं अब क्या रिकंसाइल कर सकता हूँ क्या, या फिर मान लीजिए पूरी टिकटें बिक गई, तो मैं रिकंसाइल 500 की 500 टिकटें बिक गई, तो उससे कितने आने चाहिए थे, 10,000 रुपये आने चाहिए थे। तो मैं क्या रिकंसाइल कर पा रहा हूँ क्या, कि 10,000 रुपये अगर है तो ठीक है, मामला अगर नहीं है तो फिर बाद में क्या कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या किया, कितनी लाइट परचेज किया, जनरेट की, जैसे मान लीजिए उसने 1 करोड़ की लाइट परचेज की है, उसने कितनी सोल्ड की, ठीक है, उनका अपन क्या है डिफरेंस देख के अपन पता लगा सकते हैं कि किया ना जो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो रिकंसिलेशन का क्या मतलब है, दो चीज़ें हैं उनको अपने को क्या है चेक करना है, अगर उनमें ठीक, अगर मामला जैसे यहाँ पे दोनों रिकन मैच हो गया तो ठीक, अगर मैच नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये अपना खत्म हो चुका है एंटिटी अकाउंट से रही का, आगे बढ़ेंगे मिटिगेटिंग। अब देखो मिटिगेटिंग कंट्रोल क्या है, कि जो अपन ने रिस्क अभी जो रिस्क आइडेंटिफाई किया था, उस रिस्क को कम करने के लिए कौन से कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, वो क्या होते हैं मिटिगेटिंग कंट्रोल्स। मिटिगेटिंग का क्या मतलब होता है, कम करना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क को, फिर कंट्रोल्स अपने को देख रहा है जो मिटिगेट कर रहे हैं किसको, रिस्क को। जैसे अभी अपन ने अकाउंट्स एरिया लेवल पे पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन के कारण क्या हो सकता है कि कुछ गलत हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन के कारण क्या रिस्क बढ़ जाता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर दे, जो भी क्लियरली ट्रांसलेट कर दे, अगर रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स है तो जो भी स्टाफ है जिससे रिलेटेड जो स्टाफ काम कर रहा है उसको क्लियरली क्या है सब कुछ समझा दे, ट्रेनिंग करवा सकता है किसी भी तरीके से, तो उसको अगर समझ में आएगा अच्छी तरीके से तो क्या हो जाएगा, वो एक मिटिगेटिंग कंट्रोल हो गया ना, रिस्क उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा था अपना सर्विस डिलीवर हुई थी थर्ड पार्टी से, तो उसका क्या कर ले, वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवा ले, चाहे इंटरनल इन्फेक्शन करवा ले या इंटरनल ऑडिट करवा ले या एक्सटर्नल इन्फेक्शन या ऑडिट करवा ले, तो उससे अपने को इसका क्या रिस्क कम किया जा सकता है। तीसरा क्या, पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ क्लेम, तो क्लेम के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं तो अपन क्या करें कि जैसे क्लेमेंट ने जो क्लेम किया है, जिस भी इनवॉइस अपने को दी है, तो अपन डायरेक्ट क्या है जिस पार्टी से उसने कोई सामान खरीदा उससे अपन क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से एविडेंस ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसके अपन क्या करा लेंगे, इंटरनल चेकिंग करवा लेंगे, इंटरनल चेकिंग से क्या रिस्क कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये है मिटिगेटिंग कंट्रोल, ये मतलब सभी में जहाँ जहाँ रिस्क है उसके अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं, मिटिगेटिंग कंट्रोल लगा सकते हैं। अब देखिए रिस्क स्क्रीनिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी की बात करेंगे रिस्क स्क्रीनिंग। रिस्क स्क्रीनिंग का क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क को, स्क्रीन करना मतलब अपन ने छांट लिया कि क्या रिस्क है। और प्रायोरिटाइज का क्या मतलब, प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि जो रिस्क है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, अपन उसको क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी पे लेंगे और उस पर क्या है ज़्यादा ध्यान देंगे।
इसके लिए 6 स्टेजेज हैं कि सबसे पहले ये दो में तो वही है कि एंटिटी के देखेंगे ऑब्जेक्टिव और उसका बिजनेस ऑपरेशंस क्या है। इससे क्या हो जाएगा, अपने को रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने, रिस्क की स्क्रीनिंग और प्रायोरिटी ले ली उसको, और फिर उसका इफेक्ट देख लिया, और फिर एंटिटी क्या कर रही है उसके लिए, उस रिस्क के लिए कोई मिटिगेटिंग कंट्रोल है क्या उसमें, वो सब अपन चेक कर लेंगे। तो ये हुआ रिस्क स्क्रीनिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। अब एक बात की गई है कि अगर डिफरेंट रिस्क के लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड की जा सकती है। तो देखिए, अगर हाई इम्पैक्ट है, इसमें डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए कि जिसमें हाई है, अगर हाई इम्पैक्ट और हाई लाइकलीवुड, मतलब उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा और उसकी संभावना भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना उसके होने की, तो अपन क्या है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। नहीं तो फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे ये हाई है ये लो है, ये दोनों लो हो, या फिर ये लो हो और ये हाई हो, तो अपन क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाते। केवल अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर दोनों हाई हो तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, और अगर एक भी लो हो तो कोई भी स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया वो, याद हो गया वो, बड़ी सिंपल चीज़ है। अब एक बात कही गई है कि इनहेरेंट रिस्क है उसका इंडिकेटर क्या होगा। तो ऐसा कहा गया कि ऑडिटर दो क्वेश्चन पूछेगा अपने आप से, क्या कि कोई इंडिकेटर है क्या जिससे पोटेंशियल इनहेरेंट रिस्क हो सकता है क्या, और अगर है तो कौन से ऑडिट एरिया को ये इफेक्ट करेगा। तो इससे क्या कर सकता है वो, इनहेरेंट रिस्क को क्या कर सकता है, ध्यान में ला सकता है, उसको पकड़ सकता है, ये दो क्वेश्चन पूछ के। इसके लिए एक टेबल भी बनाई गई है, उसमें क्या है, उसमें देखो बस इतना ही कहा गया है कि क्या कहेगा कि इंडिकेटर क्या है पोटेंशियल इनहेरेंट रिस्क का। ठीक है, इंडिकेटर क्या होगा पहले तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद पूछ लेगा ऑडिट एरियाज। ठीक है, जो इस इंडिकेटर से कौन से ऑडिट एरिया अफेक्ट करेंगे, फिर इनहेरेंट रिस्क देखेंगे उसमें हाई है या लो है। ठीक है, और अगर फिर कहेंगे कि अगर हाई नहीं है तो उसके रीजंस क्या है, तो ये टेबल से अपन क्या कर सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क का पता लगा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कि प्लानिंग कंसीडरिंग द नीड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक का क्या ज़रूरत है, पढ़ चुके चैप्टर दो में, अपने को क्या करना, अपने पास रिसोर्सेज का अपने को बेटर यूटिलाइजेशन करना है, और अपने को इफेक्टिव एफिशिएंट वे में ऑडिट करनी है, इसलिए अपन सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ VLC डाटा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स। जो वाउचर लेवल कंपाइलेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट में, उसको अपन प्लानिंग स्टेज में कैसे यूज करते हैं। तो VLC डाटा में जैसे मंथली एक्सपेंडिचर का एक पैटर्न, हर महीने इतना खर्च हो रहा है, हर महीने 10 लाख खर्च हो रहा है, 10 की जगह 10 लाख 10,000 हो गया, तो कोई बात नहीं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है एक्सपेंडिचर में। कंटिजेंसी पे कितना खर्च हो रहा है, AC बिल स्पेंडिंग पे कितना खर्च हो रहा है। AC बिल स्पेंडिंग क्या है, अवस्ट्रिक कंटिजेंसी बिल होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो कंटिजेंसी चार्ज पे अपन ने पैसा खर्च किया, फॉर विच क्लासिफिकेशन एंड सपोर्ट वाउचर नॉट अवेलेबल, उनका अभी अपन क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या उसके सपोर्टिंग वाउचर अपने पास नहीं है, तो उनको कहाँ डालते हैं, AC बिल स्पेंडिंग में डालते हैं। और पोजिशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट, ये सब अपन क्या है उनका चेक करके उनसे मंगवाते हैं, प्लानिंग स्टेज में अपन चेक करते हैं, फिर अपन उस DDO का सेलेक्ट करते हैं कि किस DDO की अपने को ऑडिट करनी है। इसके अलावा जैसे एक्सपेंडिचर देख ले, कोई रस एक्सपेंडिचर है, कोई इरेटिक, मतलब कोई गलत एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ है, हैवी परचेज तो नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी पेड, इन सब चीज़ों को भी अपन देख के अपने को करना क्या है, इन सब चीज़ों को देख के अपने को क्या करना है, DDO का सिलेक्शन करना है ऑडिट के लिए, और अपने को देखना है कि कहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो सकता है, और उसके हिसाब से अपने को क्या है DDO को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब कह रहे डिसीजन रिगार्डिंग ऑडिट अप्रोच अडॉप्टेड। तो देखिए कौन सी ऑडिट अप्रोच अडॉप्ट करनी है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है, वो किस पे, उसके लिए कैसे डिसीजन लेंगे। पहला तो एक क्वेश्चन है कि अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क लो है, अगर ये दोनों रिस्क क्या है लो है, तो ये अपन चैप्टर वन में भी पढ़ा था कि इनहेरेंट रिस्क भी क्या है लो है, और कंट्रोल रिस्क भी क्या है लो है,
तो डिडक्शन रिस्क भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। डिडक्शन रिस्क भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, मतलब ऑडिटर के क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे, वो रिस्क को डिटेक्ट करने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, ऑडिटर क्या एलिमिनेट करेगा सब्सटेंसिव, मतलब सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर का क्या मतलब है कि वो डिटेल में लगाएगा कि ऑडिट प्रोसीजर, या फिर उसको छोड़ देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर ये दोनों लो है तो उसका क्या होगा, उसका डिटेक्शन रिस्क भी लो होगा, तो वो कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, वो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर ना लगा के कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रूवल लगाएगा, सिस्टम बेस्ड, जिसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहा था। अब ये कह रहा है कि सबसे मोर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट शुड कंसीडर, अगर उसको सबसे अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाती है, ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा कि ये फिर रिस्क एग्जिस्ट, अगर कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है, अगर नो तो कोई बात नहीं, कह रहा हाँ करता है, चलो ठीक है, नो तो फिर बात ख़त्म ही हो गई, फिर तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। अगर कह रहा है कि रिस्क एग्जिस्ट करता है, फिर अपन क्या कहेंगे कि क्या कंट्रोल, इफ़ कंट्रोल कैन बी रिलाइड ऑन, क्या मैं कंट्रोल जो लग रहा है इंटरनल कंट्रोल है मैनेजमेंट का, क्या उस पर मैं रैली कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे जवाब आता है यस, तो मैं क्या लगाऊंगा, सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच लगाऊंगा, जिसको क्या कहेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहेंगे। और अगर आ रहा है नो, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, तो फिर मैं लगाऊंगा डायरेक्ट सब्सटेंसिव ऑडिट अप्रोच, जिसको टेस्ट ऑफ क्या कहते हैं, डिटेल कहते हैं, या फिर बाद में एनालिटिक प्रोसीजर। एनालिटिक प्रोसीजर जनरली नहीं लगाते हैं, अपने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल ही लगाना होता है। ठीक है, आया समझ में वो ये क्वेश्चन, कि अगर ये दोनों लो है तो वो सब्सटेंसिव नहीं लगा के क्या लगाएगा, जनरली सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच लगाएगा। अब एक क्वेश्चन, इसमें तीन क्वेश्चन है, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ CAG टू सिक अडॉप्ट ऑडिट अप्रोच, कौन सी ऑडिट अप्रोच उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, दैट विल, ये दूसरा क्वेश्चन, दैट विल ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ऑडिट रिस्क कैसा होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये, इससे कौन सा अश्योरेंस मिलेगा, प्रोवाइड अश्योरेंस। तो देखिए अपने पढ़ चुके हैं कि कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच क्या है, CAG क्या है लगाएगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, जो रिस्क है ना वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कहाँ तक, एक्सेप्टेबल लेवल पर। रिस्क रिड्यूस हो गया तो अपने को अश्योरेंस कैसा मिलेगा, रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा, जितना रिस्क कम उतना अश्योरेंस ज़्यादा। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, ऑडिट अप्रोच कैसी है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच से उसको क्या हो जाएगा, ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, और जब ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा तो क्या अश्योरेंस रीजनेबल मिलेगा या अश्योरेंस हाई हो जाएगा, बिल्कुल अश्योरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हाई डिग्री, रीजनेबल की जगह लिख देंगे हाई डिग्री, उसको क्या है अश्योरेंस मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, ये कह रहा है कि क्वेश्चन है, ए कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच इज वन दैट अचीव दिस एंड ऑप्टिमम मिक्स विच हैव नोट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये कह रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच में क्या इंक्लूड नहीं है, साफ साफ बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच में क्या इंक्लूड नहीं है, तो क्या रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, कोई भी रिस्क को अपने को क्या मिनिमाइज करना रहेगा, क्या बिल्कुल करना रहेगा, अपन हर जगह बात कर रहे हैं कि रिस्क को अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मतलब रिड्यूस रखना है। ऑडिट कॉस्ट अपने को कैसी रखनी है, मिनिमाइज रखनी है क्या, अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मिनिमाइज रखनी है। अश्योरेंस अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, अगर रिस्क की रिड्यूस की मिनिमम की बात कर रहे हैं तो अश्योरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और चौथे में क्या है कि सैम्पलिंग रिस्क क्या मैक्सिमम होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर ये है, ये तीनों इंक्लूड होंगे, क्यों, रिस्क मिनिमम हुआ तो अश्योरेंस तो मैक्सिमम हो ही गया, और ऑडिट कॉस्ट तो अपने को हमेशा क्या रखनी है, मिनिमम रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए की जाती है या टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, जिसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं, तो इसमें आंसर आएगा बोथ, दोनों के लिए ये क्या है यूज़ की जाती है। अब ये तो हो गई इससे रिलेटेड बात, अब एक टॉपिक दिया हुआ है कि लेवल ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, सब्सटेंसिव प्रोसीजर के कौन से लेवल को क्या है परफॉर्म करना है, कौन से लेवल को
परफॉर्म करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा अश्योरेंस का, किसके किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, अश्योरेंस का। अश्योरेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया मतलब रिस्क का क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया क्या? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क, ये भी कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रिस्क और अश्योरेंस एक दूसरे के क्या है, विपरीत चलते हैं, अगेंस्ट चलते हैं। तो इस दौरान अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लेवल ऑफ कौन सा सब्सटेंसिव प्रोसीजर अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग रिस्क ऑफ अश्योरेंस क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा अश्योरेंस तो मुझे फोकस्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर में मिलेगा, उसके बाद में स्टैंडर्ड में मिलेगा, और सबसे कम मुझे किस में मिलेगा, मिनिमम में मिलेगा। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पे तो क्या है, फोकस है, सबसे कम अश्योरेंस किस में मिलेगा जब आप मिनिमम प्रोसीजर लगाएंगे। नॉर्मल सी बात है, मिनिमम प्रोसीजर लगाएंगे तो कैसा मिलेगा अपने को, अश्योरेंस कम मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि अश्योरेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर 1, 2, 3, या फिर रिस्क का इंक्रीजिंग ऑर्डर 1, 2, 3। दूसरा ये कह रहा है कि ऑडिटर को अश्योरेंस चाहिए बहुत लेवल लोअर लेवल का, तो वो कौन सी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा, वो कम करेगा या ज़्यादा करेगा? देखो अगर अश्योरेंस कम चाहिए तो ऑडिट प्रोसीजर भी कैसी लगाएगा, लेसर ही लगाएगा। वो क्या है, लेसर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ना कि हायर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ठीक है। अब अपन इनकी डिटेल में बात करते हैं तीनों की, फोकस्ड स्टैंडर्ड और मिनिमम में होता क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। अब ये लेवल ऑफ अपन जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर है उसमें लेवल की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या कर सकता है, देखो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क को जिसके कारण मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा था, और उसने क्या किया कि उसने जो मिटिगेटिंग कंट्रोल्स होते हैं, जो उस रिस्क को कम करने वाले कंट्रोल्स थे, जो भी इंटरनल कंट्रोल्स थे, उन पे उसने क्या रिलायंस नहीं किया, मतलब उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और मिटिगेटिंग कंट्रोल पे रिलायंस नहीं किया, तो उस टाइम पे जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगेगा वो कौन सा होगा, फोकस्ड होगा। इस टाइम पे वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाएगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाएगा, और कौन सा लगाएगा, फोकस्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाएगा। सेकंड देखो, ना तो वो रिस्क आइडेंटिफाई करवा, नॉट आइडेंटिफाई, ये बाकी आगे ये लिख लेना आप, नॉट आइडेंटिफाई रिस्क जिसके कारण मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ, और सेकंड वाला तो सेम था, मतलब दोनों ही नो है, ना तो उसको रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ है, ना उसने इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस किया है, तो वो कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे वो एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकता है, जो कौन सा होगा, कंपैरेटिव, जिसको मॉडलिंग भी कहा गया है, इसमें मॉडलिंग भी कहते होंगे, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर तो लगा ही सकता है, कौन सा, स्टैंडर्ड। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसने अश्योरेंस ले लिया, क्या, जहाँ मिटिगेटिंग कंट्रोल था, ठीक है, जहाँ मिटिगेटिंग कंट्रोल था, उसने तो मिटिगेटिंग कंट्रोल से जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा था, जहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा था, तो वहाँ तो उसने मिटिगेटिंग कंट्रोल से अश्योरेंस ले लिया, और जहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट था ही नहीं, तो उसने अदर कंट्रोल से अश्योरेंस ले लिया। तो इस कंडीशन में उसने क्या किया, मिनिमम सब्सटेंसिव प्रोसीजर वो लगाएगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिलायंस नहीं किया, फोकस, दोनों, नॉट आइडेंटिफाई रिस्क में, रिलायंस में स्टैंडर्ड, और उसने अश्योरेंस ले लिया मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा था, तो मिटिगेटिंग से नहीं हो रहा था, तो अदर कंट्रोल से, तो मिनिमम। यहाँ पे भी वो क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता है, कौन सी, कंपेरेटिव, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर कौन सी लगाएगा, मिनिमम। अब देखो केवल यहाँ पे जो ये फोकस्ड वाली, जहाँ रिस्क उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगा के क्या करेगा, फोकस्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाएगा, बाकी दोनों में वो ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकता है, ठीक है। ये याद कर लेना, फोकस्ड स्टैंडर्ड और मिनिमम का इसमें है ना जो बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, एक क्वेश्चन तो इसमें आ ही सकता है। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर एट इंटरिम डेट, तो अपन इंटरिम डेट पे भी, मतलब टेम्परेरी डेट, जब अपनी ऑडिट नहीं चल रही है तब भी अपन ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं, अपन जब प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अपन एक तरह से कह सकते हैं, तब भी अपन ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब रिपोर्टिंग डेडलाइन, मतलब अपने को बहुत रिपोर्टिंग करनी है, उसके लिए बहुत कम टाइम दिया गया है, डेडलाइन टाइट है, या फिर मैन ऑडिट के दौरान क्या है, ऑडिट रिसोर्सेज की क्या है, कमी होगी,
अपने को पता है कि ऑडिट मैन ऑडिट के दौरान ऑडिट रिसोर्सेज की कमी होगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर इंटरिम डेट को भी लगा सकते हैं। इसमें ऑडिटर क्या करेगा, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा इंटरिम डेट को, और जब फाइनल ऑडिट करेगा तो मिनिमम लेवल और स्टैंडर्ड लेवल सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जो भी रिमेनिंग अकाउंटिंग पीरियड है, जिस इंटरिम डेट मतलब उस पीरियड तक का, उसने एक पीरियड तक पे तो क्या लगा लिया, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। देखो यहाँ पे मिनिमम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ उसने फोकस्ड लगा लिया, ऐसे मान सकते हैं ना, तो यहाँ फोकस लगा लिया, बचे हुए पे उसने क्या है मिनिमम या वो स्टैंडर्ड लगाएगा, तो उसका टाइम क्या बच जाएगा ना। ये कब कर रहा है, या तो मैन ऑडिट के टाइम पे उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसने पहले कर लिया, या फिर क्या है रिपोर्टिंग डेडलाइन टाइट है। अब क्या नंबर ऑफ लोकेशन भी ऑडिट प्लान को इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। अगर नंबर ऑफ लोकेशन ज़्यादा है तो लार्जर साइज ऑडिट हो गई क्या, हाँ हो गई, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रोल्स है उन पे ही अपने को क्या है रिलीज करना, सबसे इफेक्टिव अप्रोच है, जो मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स है उन पे रिलीज करना इफेक्टिव अप्रोच है। अगर हायर नंबर ऑफ लोकेशन है तो सर्टेन लोकेशन की ऑडिट तो एक पर्टिकुलर ईयर में होगी, और फिर ऑडिट क्या करेगी, रोटेट करेगी अपनी विजिट को, कुछ यूनिट इस साल कर ली, कुछ यूनिट अगले साल कर ली, कुछ यूनिट अगले साल कर ली। इसके लिए वो ऑडिटर्स, सब ऑडिटर्स, प्राइमरी ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, इन सब की क्या है हेल्प ले सकता है। सब पढ़ा हुआ है ये। डिजाइनिंग ऑडिट अप्रोच, तो देखो वही बात कही गई है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कि अगर ऑडिटर ने रिस्क को आइडेंटिफाई किया और अगर उस पर विश्वास कर लिया मिटिगेटिंग कंट्रोल पे, एमसी क्या मिटिगेटिंग कंट्रोल, तो क्या मिनिमम सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा क्या, ठीक है। और अगर उसने रिस्क को आइडेंटिफाई किया और विश्वास नहीं किया तो कौन सा लगाएगा, फोकस लगाएगा, पढ़ चुके हैं वही वाली बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं किया रिस्क को, लेकिन उसने रिलायबिलिटी को क्या किया, कन्फर्म किया अकाउंटिंग सिस्टम को और कंट्रोल को, तो कौन सी लगा रहा था, मिनिमम लगा रहा था। और अगर उसने रिस्क को आइडेंटिफाइड भी किया और रैली भी नहीं किया, तो देखो यहाँ पे कौन सी लगानी चाहिए, मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड लगानी चाहिए, बुक में शायद फोकस दे रखी है, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, बुक में फोकस दे रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या आनी चाहिए स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर उसने रिस्क को आइडेंटिफाई भी नहीं किया है और उसको जो मिटिगेटिंग कंट्रोल पे रैली भी नहीं कर रहा है, तो उसको कौन सी स्टैंडर्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, अपन पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, अपन पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है वीकनेस इन कंट्रोल, वही है कि अगर कह रहा है कि मैनेजमेंट का क्या है वीक कंट्रोल क्या है, इनइफेक्टिव है, तो ऑडिटर उस पर रैली करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वो परफॉर्म क्या करेगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एकदम सिंपल सी बात है। चलिए अपन लास्ट पोर्शन की, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर पढ़ चुके हैं, इंटरनल ऑडिटर का आउटसाइड एक्सपर्ट का चैप्टर 10 में, ये भी ऑडिटर को डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर जैसे इंटरनल ऑडिटर है उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि उसको चेक करनी थी रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के एक पोर्शन ऑफ वर्क को चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ मैं उस पर बिलीव कर सकता हूँ, तो वो मिनिमम प्रोसीजर लगाएगा, और नहीं तो फिर वो क्या एक्सटेंसिव प्रोसीजर, उसके आधार पर वो क्या है परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ पढ़ चुके हैं, कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर इन्वायरमेंट देखेंगे कितना है, कितना यूज़ हो रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कम है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, या तो कंट्रोल रिलायंस अप्रोच, मतलब वही है उसके जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर बिलीव कर सकता है, या फिर सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा सकता है। अगर इसका आईटी, अगर कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो एक्सपर्ट ऑडिट पर्सनल को भेजेंगे, या फिर एक्सटर्नल आईटी एक्सपर्ट से भी अपन क्या है ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। यूजिंग सर्विस ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग मेमोरेंडम। तो क्या है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, क्या है ऑडिट प्लान की समरी होती है, क्या है ऑडिट प्लान की सर्विस, में क्या होगा ऑडिट स्कोप, क्या है ऑडिट अप्रोच, कौन सी लगानी है, मैन ऑडिट एरिया को एनालिसिस करना जिसको अपन ने सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया कहा था, और की प्लानिंग डिसीजन के बारे में अपने को क्या है देखना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए क्या है डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम पढ़ चुके हैं अपन, गुड कम्युनिकेशन विथ एंटिटी, एंटिटी के साथ गुड कम्युनिकेशन बनना चाहिए, उसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। क्रिएशन ऑफ डाटा बैंक
ऑडिट प्लानिंग के लिए अपने पहले पहले अपने पास क्या होना चाहिए, डेटा तो होना चाहिए एंटिटी का। तो उसमें वही बात की गई है कि एंटिटी का अपने को क्या है, डेटा अपने पास क्या है, रखना है, इकट्ठा करना है, उसके उस डेटा से क्या है, एक डेटा बैंक बनाना है ताकि अपन क्या है ऑडिट प्लानिंग कर सके। उसके बाद में है कि प्लानिंग इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर एंटिटी। तो इसमें कुछ नहीं है, चैप्टर 12 में या 13 में अपन पढ़ चुके हैं कि अपने ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से ये क्या है ऑडिट प्लान बनाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए सिविल ऑडिट का होगा, चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए सिविल ऑडिट का होगा तो कौन था, एजी था, CW&R कॉमर हाँ, और या फिर PAG था या फिर AG सिविल था, ये बनाएंगे। और अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट सेंट्रल रिसीट, सेंट्रल रिवेन्यू, मतलब जिसका जो होगा। चैप्टर 12 में अपन ने पढ़ा है ना कि जिसके जो अकाउंट सर्टिफाई करेगा वही क्या करेगा, इनका क्या है ऑडिट प्लान बनाएगा। अदर एंटिटी के केस में कह रहा है तो अदर एंटिटी के बारे में अपन ने 2-3 बार पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि मुंबई की ब्रांच है, चेन्नई की ब्रांच है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होगा, सब ऑडिटर कौन होगा, सब ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को अपने डेटा भेजेगा, उससे पूछ के काम करेगा, तो वो सब उसमें है, वो सब अपन क्या है पढ़ चुके हैं। अगर आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बार बार इन चीज़ों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब क्या अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका कौन सा चैप्टर ख़त्म हो गया, आज आपका चैप्टर 3, और चैप्टर 3 के साथ में फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो इसमें देखिए अपन ने MCQ लगभग सारे कर लिए, अगर कुछ रह गए होंगे तो अपन क्या है आगे बात कर लेंगे उसका एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है एसेंस है आपके जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम पास होने के अपने चांसेस क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसका A से Z तक समझाने की, इसके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मैंने मेहनत की है। चलिए फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है सजेशंस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।